बीच में भी एक बार आऊं तो हो सकता अभी ही कुकर की भी सीटी आनी है यार। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ साची वस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं फिर से वापस आ गई हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो जिसमें कि अगेन मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही वायरल फेस मास्क स्टिक, ये ग्रीन फेस मास्क स्टिक जो कि क्लेम करता है कि ये क्लेंजिंग स्टिक है, क्लेंजिंग सॉलिड मास्क स्टिक। सो जी हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है, बहुत ही ज़्यादा वायरल रही है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये कुछ इस तरह की है, एंड यहाँ पे साइड में आप लोगों को वीडियो भी देखने को मिल जाएगा कि इससे क्या होने वाला है। सो यस, मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी इसे एक बार ट्राई करके देखूँ कि इससे सच में क्या ऐसा होता है एंड क्या सच में ऐसा क्लीन करेगी। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट। तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसे मैं अप्लाई करूंगी अपने फेस पे, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ये ऊपर आ जाएगा। वैसे तो इस साइड पे मैंने वो जो सैलिसिलिक एसिड वाला फेस मास्क मैंने ट्राई किया था, उससे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट इससे देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आने वाला है। वो वाला तो अच्छा गया था मेरे फेस पे, तो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया। तो या एंड अब इसका रिजल्ट देखते हैं कि ये कैसे जाने वाला है मेरे फेस के लिए। एंड मुझे काफ़ी जलन भी हो रही थी, आप लोग चाहे तो मेरा वाला वीडियो भी चेक कर सकते हो, सो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। एंड अभी मैं इस फेस मास्क को अपने हाफ फेस पे साइड पे, क्योंकि यही साइड मेरा ना थोड़ा सा डर्ट वाला है एंड डल सा है, ये वाला साइड तो सही लग रहा है बट ये वाला ना काफ़ी ज़्यादा डल सा है, यहाँ पे पिम्पल्स वगैरह हैं एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा वाइट हेड है नोज पे मेरे काफ़ी सारा। तो यही चीज़ मैं इसमें देखना चाहती हूँ कि क्या ये सच में वाइट हेड वगैरह रिमूव करता है। उससे पहले मैं अपना फेस वाइप कर लूँ। तो ये काफ़ी खुरदुरा खुरदुरा सा है एंड इसमें थोड़ा सा स्क्रब पार्टिकल जैसे मुझे दाने दाने से महसूस हो रहे हैं, देख सकते हो आप, ये लाइंस बन रही है ना इसमें कुछ इस तरह से, ये खुरदुरा खुरदुरा सा है। तो यहाँ पे मैंने पूरा फेस मास्क लगा लिया है, अभी हो रहा है 11:01। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 11:01 करेक्ट हो रहा है एंड 11:16 पे मैं इसे हटा दूंगी, 15 मिनट का मैं इसे रखूंगी एंड देन हम देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आने वाला है, वो कुछ काला काला सा निकलता है या नहीं निकलता है। तो मुझे ये सही लग रहा है एंड कोई भी इचिंग वीचिंग कुछ भी नहीं एंड सैलिसिलिक एसिड वाला जब मैंने लगाया था तो मुझे इचिंग सी होने लगी थी जस्ट 1-2 सेकेंड्स में, मिनट हमें वेट करना है। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से 15 मिनट के बाद। सो ये सभी हो चुके हैं 11:16 एंड आप लोग देख सकते हो, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सच में हो रहा है। मैंने बिल्कुल सोचा था कि ये नॉर्मल सा पैक होगा एंड हाँ ऐसा ये सब सच नहीं होता है एंड कुछ नहीं होने वाला है, बट सीरियसली गाइस, सीरियसली मैं बता रही हूँ कि ये सच नहीं है, सच नहीं है, नहीं है ये सच, सीरियसली कुछ नहीं होता है, सब बकवास है। आप लोग ये देखकर सोच रहे होंगे कि फिर ये कहाँ से आया, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। तो आप लोग साइड में क्लिप देख सकते हो कि मैंने इसको कैसे क्रिएट किया फॉर माय थंबनेल। क्या करें, हमें इतना करना पड़ता है, वरना आप लोग मेरा वीडियो देखने कैसे आओगे। मूव करके मैं देखती हूँ कि रिमूव करने के बाद क्या होगा, अभी इसे वाइप आउट करते हैं। सो यस, बिल्कुल ये ड्राई हो चुका था एंड मुझे फिर से इस पे फेस मास्क की अप्लाई करके देन ये चिपकाना पड़ा क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा था, तो मैं क्या करती। एंड मैं बता दूं कि चाय पत्ती भी फेस के लिए अच्छी होती है। यहाँ पे मैंने इसे पूरा वाइप आउट कर लिया एंड मैं सीरियसली बताऊं, मेरी वाइप्स ने जितना मेरे फेस को क्लीन किया ना, इसने तो उतना भी नहीं किया। पूरे के पूरे अभी भी वहाँ पे वो वाइट हेड्स हैं, थोड़ा सा बस स्किन क्लीन लग रही है, थोड़ी सी मतलब स्मूथ लग रही है क्योंकि मैंने वाइप किया है, मुझे लगता है दो दो बार, तो बस वही हो सकता है, थोड़ा सा हल्का सा 19-20 का बस फर्क लग रहा है। बट सैलिसिलिक एसिड ने तो मेरे वाइट हेड वगैरह सब क्लीन कर दिए थे, बट इसने कुछ भी नहीं किया है। मैं सीरियसली बताऊँ तो मुझे कुछ भी इसमें फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, स्टिचिंग वगैरह कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, कुछ भी महसूस ही नहीं हुआ।
कि मैंने कुछ लगा भी रखा है फेस पे एंड ये बिल्कुल नॉर्मल सा था, तो ये मुझे वेस्ट ऑफ मनी वेस्ट ऑफ टाइम लगा। सो इसीलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करना चाहूंगी कि ऐसी चीजों पे पैसा लगाने से पहले एक बार सभी का रिव्यू जरूर चेक करें, ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। एंड मैंने पहले ही पैच टेस्ट कर लिया था, सो उसके बाद ही मैंने फेस पे अप्लाई किया है। सो आप लोग भी ऐसा जरूर करें। के लिए मैं बोलना चाहूंगी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ऐसी स्टिक या फिर ऐसे फेस मास्क को ट्राई करने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि ये आपके स्किन का सवाल है। तो ऐसे वायरल वीडियो से बच के रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें एंड जुड़े रहें मेरे यंग स्टाइल बाय साची के साथ। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।